चलिए, हेलो एवरीवन, क्या हाल है? होपफुली सब ठीक होंगे। और थोड़ा सा अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, थोड़ा भटकना नहीं है, ठीक है? क्यों? इन दिनों क्या होता है, हम थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, चहल पहल की तरफ, कि हाँ जी ये कर रहा, बट उसमें आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपने हमेशा फोकस रहना है अपने गोल को लेकर, क्लियर? जैसे कि आपको पता है हमारी टॉप 5 सीरीज चल रही है, इसमें हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से उठा के इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? बट अभी देखो, अभी हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के टॉप 5। याद है हमने पाई चार्ट का लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब आपने क्या करना है, अब जब आप पाई चार्ट 1 कर रहे हैं तो पाई चार्ट 2 का भी वेट होना, पाई चार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है? क्योंकि पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट के साथ एक नेक्स्ट चार्ट में आने वाला है एक टेबल, पाई चार्ट प्लस डेटा टेबल, उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपको, क्लियर? उसको भी हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे, क्लियर? चलिए चलिए, पहले आपको मैं बता दूं जो हमारा चल रहा है बैच, ठीक है? हमारा ऑलमोस्ट एक लेटेस्ट बैच अभी रनिंग में, जिसकी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके अभी बताने लगा। क्या है हमारे पास? सीसेट न्यू बैच कोर्स डिटेल। अब ये कोर्स की डिटेल को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात, इसकी टाइमिंग क्या है, 3 से लेकर 4:30, बस बेसिकली ये बैच चलता है मेरे 5 बजे तक। बट अब ये 30 मिनट क्या होता है भाई, 30 मिनट बातें करते हैं दूसरे से, है ना? कुछ आचार विचारों का आदान प्रदान होता है, बट किस वे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले ऑलमोस्ट 4 डेज अभी का, पर अब बढ़ जाएगा ये। टोटल लेक्चर किसमें है? इसमें 180+, ठीक है? जिसमें 90 जो लेक्चर है ना बेटा मेरे, वो क्या है, वो मेरे इस लाइव बैच के हैं। मतलब 90 लेक्चर आपको मेरे साथ मिलेंगे, 90 लेक्चर, जिसमें 50 आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर, 25 लॉजिकल रीजनिंग के, और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर है इसमें, ठीक है? अब इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने हैं मेरे पास, 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने मेरे पास, 50+, और लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मेरे पास, 30+। अब ये जो 90 लेक्चर है, इसको छोड़ के जो लेक्चर है ना, वो ऑलरेडी अपलोडेड है पोर्टल पे जब आप जुड़ेंगे, ठीक है? तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी है, तो 951777 में ये लिख देता हूँ, 951777 1651, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये नंबर अवेलेबल है हमारे पास, क्लियर? चलिए अब देखो जरा, और इस बैच में क्या खास है। अब आप कहोगे सर अभी 30 मिनट बचे हुए, इसका बिल्कुल जी सारा बताऊंगा। देखो आपको होता क्या, आपको सबसे पहले मिलते वीकली शेड्यूल। आपको क्या मिलता सबसे पहले, आपका वीकली शेड्यूल। इस वीकली शेड्यूल में क्या आपके पास, देखो सबसे पहले इस वीकली शेड्यूल में क्या पता चलेगा आपको, अपकमिंग वीक के लेक्चर्स, कि जो अपकमिंग वीक के लेक्चर्स हैं वो किस हिसाब से, ठीक है? नंबर एक, अब जो आपको लाइव लेक्चर, सपोज करो जो मैं लाइव लेक्चर मिल रहा हूं उसके अंदर क्या मिलने वाला आपको, नंबर एक क्या मिलेगा आपको, लेक्चर पीडीएफ मिलेगी। नंबर दो, रिसोर्स कार्ड। नंबर दो क्या मिलेगा, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है? इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, क्लियर? नंबर तीन में क्या मिलेगा आपको, उस लेक्चर की प्रैक्टिस शीट, ठीक है जी? अभी प्रैक्टिस शीट क्या बोलोगे, प्रैक्टिस शीट हुई जो हमने आज काम किया लेक्चर में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे। और अब ये जो 30 मिनट बचे ना, इस 30 मिनट में उस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर? तो बिना सी सेट के तो भैया आगे बढ़ने की सोचना ही मत, नहीं बढ़ पाएंगे, क्लियर? अब देखो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा प्रॉपरली आप, अच्छा इसके अलावा, हाँ इसके अलावा ही बहुत कुछ मिल रहा है। इसके बाद आपके पास आता है आपका वीकली टेस्ट, जो होगा भाई संडे को, जो कब होगा, संडे को 1 बजे, ठीक है? संडे को कब होगा, 1 बजे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये वीकली टेस्ट की कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली आपको, किस सोल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, इसका क्या मिलेगा आपको,
जी हाँ बिल्कुल सही, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो हम पीडीएफ में नहीं टाइप कर सकते, नहीं बता सकते, नहीं लिखे जा सकते, वो सिर्फ समझे जा सकते हैं। समझ आ गई बात? तो जैसे ही, जैसे संडे को आपका टेस्ट हुआ, मंडे को आपका लेक्चर है, मंडे को आपका लेक्चर है, तो लेक्चर से ठीक पहले उस पूरे टेस्ट का डिस्कशन होगा आपके पास, और पोर्टल पे वो वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके पास। ध्यान रखो इन चीजों का, क्लियर? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस यू हैव टू डिस्कस, क्लियर? तो ये चीजें आपके पास हैं, ये फुल फ्लेज इस बैच के अंदर आपको मिल रहा है, क्लियर? तो भैया 50 क्वांट के लेक्चर 50 प्लस ही हो जाएंगे, मुझे पता है अभी भी, बिकॉज रीजन हमें इस बार बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सीसेट इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा, बट मैं वादा करता हूँ 100% या 400% एफर्ट दूंगा आपका, 1000% एफर्ट होगा, जब जाके पास होगा 100% से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए। एक बात है कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लास्ट का 2-3 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो इसको थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे भी आपने ज्वाइन करना है, क्लियर? चलिए जी टाइम एंड वर्क किया आज, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए जी क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, 92 days एंड 23 days। तो एक्स का टाइम कितना है मेरे पास 46 days, वाई का कितना 92 days और जेड का कितना 23 days। सो इसका एलसीएम लो कितना हो 92, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी 2, एफिशिएंसी ऑफ बी 1, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 4, बिकॉज आपके पास क्या होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, क्लियर? देखिए अब मुझे क्या कह रहे हैं, एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड वाई जॉइंड आफ्टर 7 days। देखो सबसे पहली बात, वन डे वर्क कितना होगा, हो गया ठीक है 7 दिन काम किए इसने, तो 7 डे वर्क कितना हो गया 7 × 2 यानी कितना 14। अब देखो अब आफ्टर 8 days, अब ध्यान रखो लैंग्वेज की क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ जेड ज्वाइंड देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से 8वें दिन यानी 8th day पे कौन काम करेगा, ठीक है 8th day पे कौन काम करेगा, एक्स स्टार्टेड द वर्क वाई जॉइंड हिम आफ्टर 7 days यानी 8th day पे कौन काम करेगा, एक्स प्लस वाई यानी 2 + 1 यानी कौन काम करेगा भाई 3 काम करेगा, यानी 8 days का वर्क कितना हो गया 80 days का वर्क कितना हो गया मेरा 14 + 3 = 17, यानी वर्क रिमेनिंग कितना हो गया 92 - 17 यानी कितना 75, क्लियर 92 - 17 यानी कितना 75। अब ये 75 काम किसने करना है, तीनों ने मिलके, तो 75 इज इक्वल टू टाइम ऑफ x plus y plus z into of efficiency of x plus y plus z, तो 75 is equal to time और efficiency कितने 4 × 2 = 6 = 7, तो 75/7 यानी कितना हो गया 10 × 5/7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, then how long did y, देखो ये काम किया प्लस उसने एक दिन यहाँ किया तो कितना हो गया भाई 11, 5, 7, देखो सर 8th day से लेके लास्ट डे तक उसने काम किया, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 10 × 5/7 प्लस एक दिन और किया था उसने 8th दिन, तो कितना होगा 11 × 5/7, क्लियर। चलिए भाई ए कॉलेज हॉस्टल मेस हैज प्रोविजन फॉर 25 days फॉर 350 boys, एट द एंड ऑफ 10 days व्हेन सम बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल इट वॉज फाउंड दैट नाउ द प्रोविजन विल लास्ट फॉर 21 more days, हाउ मेनी डेज वर बॉयज वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखो सबसे पहले बात, टोटल वर्क कितना होगा मेरा, एम इन टू डी यानी कितना हो गया 350 × 25, क्लियर। अच्छा एक बात था, उसने क्या कहा एट द एंड ऑफ 10 days, मतलब 10 दिन के बाद कुछ बच्चों को या कुछ बॉयज को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया, तो आप क्या कहोगे
work done in 10 days. तो भैया 10 दिन में कितना काम हो गया, 350 बंदों ने 10 दिन काम किया, सो वर्क रिमेनिंग कितना है मेरे पास, 350 into 25 माइनस ऑफ 350 into 10 325 माइनस ऑफ 10 कितना हो गया 315 into 15 क्लियर। ये 350 × 15 मेरे पास काम बच गया। अब ये काम किसने करना है, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर, देखो भाई अब ये 350 × 15 काम है, ठीक है, ये 21 दिन में करना है, कितने बंदों ने 350 में से, सपोज करो मैंने कहा पी शिफ्ट हो गई तो क्या यही काम करेंगे M1D1 = M2D2 वाला, क्लियर। तो भाई 7 50 7 21 3 5 15 तो कितना हो गया 50 × 5 250 = 350 माइनस ऑफ पी, तो पी कितना आ गया मेरे पास 350 - 250 आ गया मेरे पास 100 इज दैट क्लियर। सो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन में, क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी क्या बोलोगे, 4 men + 5 women किसी काम को 15 दिन में करते हैं, एंड 9 men + 6 women किसी काम को 10 दिन में करते हो। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले देखो यही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास क्या है, टोटल वर्क, क्लियर। देखो भाई तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मैन और वुमेन की रेशियो निकालनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, यानी 5 × 15 = 5 × 2 = 10 यानी 3 12 men + 15 women = 18 men + 12 women तो बेटा माइनस करो जरा, 18 men - 12 men = ये आ गया 15 women - 12 women बेटा कितना आ गया मेरे पास 6 men = 3 women सो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास 1/2 क्लियर, मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया मेरे पास 1/2। अब देखो नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है, अब सबसे पहले टोटल वर्क निकालो, ये उठा लो जरा 15 × 4 × 1 + 5 × 2 तो कितना होगा 15 × 4 + 10 तो काम कितना हो गया 15 × 14 टोटल वर्क मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिए जरा, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। चलो भाई इसको मिटा दो जरा, देखो मुझे क्या बोला है कि भाई अगर मेरे पास ये हो कि आपके पास टोटल काम 15 × 14 है, इज इट विजिबल, यस और नो, यस इट इज विजिबल, तो ये काम किसको करना है, हाउ मेनी वुमेन यानी नंबर ऑफ वुमेन, और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने अपॉन वुमेन कितना आया था मेरे पास 1/2 नंबर ऑफ वुमेन इनटू 2 प्लस 4 men, 4 और मैन कितने हैं मेरे पास, और मैन की एफिशिएंसी 1, क्लियर, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7 days, क्लियर। सिर्फ ये करना था, तो 7 × 14 = 30 = 4 + 2 × नंबर ऑफ वुमेन, तो ये कितना हो गया 26 = 2 women सो नंबर ऑफ वुमेन कितने आई, ऑप्शन नंबर डी 13 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा, चलिए होपफुली क्लियर होगा क्वेश्चन आपको, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, टू डू अ सर्टन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7 तो एक्स रेशो वाई है, एफिशिएंसी का रेशो किसका है, एक्स रेशो वाई, और रेशो कितना है मेरे पास 5:7
वर्किंग टूगेदर एक्स एंड वाई कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। इसका देखो मतलब क्या है, आपके पास जब आपको वर्क निकालना होता है, वर्क क्या होता है आपके पास, टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब यहां पे क्या आता है, यहां पे जहां मैंने वो लगाया टिक मार्क क्या होता है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ या आपको हो गया एफिशिएंसी आती है इसकी टोटल, तो टाइम भी टोटल निकलेगा, तो आपके पास वर्क कैसे निकलेगा भाई, टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई कितना दिया आपको 70 डेज और एफिशिएंसी कितनी होगी 7 × 5 = 12, तो कितना हो गया आपके पास 840 डेज। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 40 डेज। तो अगर मैं वन डे की बात करूं वर्क ऑफ एक्स, वो कितना है मेरे पास बेटा 5, तो 42 डेज का काम कितना होगा किसका, एक्स का कितना होगा मेरे पास 42 × 5 यानी कितना 210 यूनिट। क्लियर? अब मुझे क्या कह रहा है, वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, अब रिमेनिंग वर्क कितना है, तो ये निकालो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 840 माइनस ऑफ 210 यानी कितना आ गया 630। इसका मतलब 630 काम करना है किसको, टाइम ऑफ वाई और एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी है 7, तो आंसर कितना आ गया 90। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम लॉजिकल क्वेश्चन एंड सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्लियर? चलिए चलिए भाई, ए कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 30 डेज, ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज, बी जॉइंड हिम एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ए कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 30 डेज। So, यहां पे टाइम ऑफ ए कितना दिया मेरे पास, थर्टी डेज, ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज, तो सबसे पहले भाई टोटल वर्क निकालो 30 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, बी आफ्टर 4 डेज तो 4 दिन का काम कितना हो गया 4 हो गया, बी जॉइंट हिम एंड द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 10 डेज। देखो 4 दिन में 4 काम होंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 30 − 4 = 26। द होल वर्क गेट कंप्लीटेड यानी 26 काम 10 दिन में किया हुआ जी नहीं, इसका मतलब क्या कि पूरा काम 10 दिन में खत्म हुआ, जिसमें से 4 दिन काम पहले किसने किया, ए ने किया, बाकी 6 दिन काम किसने किया, इन दोनों ने मिलके किया, तो 26 टाइम ऑफ ए प्लस बी इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस, तो 26 इज इक्वल टू 6 इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। क्लियर? तो ये कितना आ गया 13/3। क्लियर? तो बेटा ये कितना आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 13/3, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास 1, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 13/3 माइनस ए गेन कितना आ गया 10/3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, यानी अब बी को क्या करना है भाई 1/3 काम करना है किसको, टोटल वर्क का किसको, टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास 10/3, तो भाई 10 10 से घटा 10, टाइम ऑफ बी कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 3 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए फटाफट, चलेंगे इससे लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा क्लास का। चलिए भाई आई थिंक हो चुके 5 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 5 यस। चलिए हो चुके 5 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज बताइए जरा क्या होता है माइक्रो कोर्स, आप बताओ। अरे भाई लोग मुझे तो पता है, आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ क्या होता है माइक्रो कोर्स। देखो माइक्रो कोर्स क्या होता है, माइक्रो कोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो यूनिक है अपने आप में, जो मतलब संसार ऐसी सेट के लिए मैं तो कहूंगा, बिकॉज
जिस लेवल का सीसेट का पेपर आ रहा ना, मतलब आपको बहुत फायदा हो सकता है इससे। क्यों? कई कई बार होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे पहले वो चीज करनी है, क्लियर। अब मुझे पहले वो चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है। जैसे नंबर सिस्टम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि भाई नंबर सिस्टम करना है, मुझे नंबर सिस्टम करना है, मुझे नंबर सिस्टम करना है। बट नंबर सिस्टम करना है तो करें कैसे? हाउ? आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको ये पता है वाई? भाई करना क्यों है? मुझे सीसेट क्वालिफाई करना, बट आपको ये नहीं पता हाउ करना कैसे है। आपको पता है कि करना है, बट हाउ कैसे करना है, ये माइक्रो कोर्सेज बताएंगे आपको। बिकॉज माइक्रो कोर्सेज में क्या है, माइक्रो कोर्सेज माइन्यूट माइन्यूट आपको छोटी से छोटी चीज भी बताई गई है। ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आई डोंट थिंक सो किसी के पास होगा और आपको मिलेगा भी नहीं। माइक्रो कोर्स में आपने क्या करना, पूरा कोर्स ना खरीद के सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कोर्सेज पे काम करो। जैसे नंबर सिस्टम का कोर्स खरीद सकते हो ऑलमोस्ट 324 रुपए का। आप एलसीएम एचसीएफ खरीद सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं, क्लियर। तो अलग अलग परसेंटेज रेशियो जो आपका दिल करे वो चीज परचेज कर सकते हैं, क्लियर। देखें कैसे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके फुल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा, क्लियर। चलिए चलिए दोस्तों, सबसे पहले जाएंगे abhimanyu.com पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको एक बार ओपन करके दिखा दूं, थोड़ा सा स्लो है नेट आज। चलिए यहां से करेंगे चूज एग्जाम, हमें करना है सिविल सर्विसेज सीसेट, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, सारे सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज है, दीज आर माई माइक्रो कोर्सेज। आप सारा कुछ देख सकते हैं क्या क्या चीज अवेलेबल है इजीली, क्लियर। यहां से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप यहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पे 10 डिज का मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना, सो दैट हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि आप इंटरेस्टेड हैं और हम आपको कॉल बैक करें या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे जुड़े, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी, देन वी हैव इंग्लिश, देन वी हैव तीन चीजें हैं वो वीकली टेस्ट ऐसी आपके पास, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें, जो चीज आपको सबसे ज्यादा डरा रही है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही है आज के टाइम में। देखिए क्या है मेरे पास, खुलेगा खुलेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा आज। देखिए पूरा बंडल ऑलमोस्ट 3500 के आसपास का है, ठीक है। बट अगर नंबर सिस्टम ही करना आज के टाइम में मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं नंबर सिस्टम ही करूंगा ना, व्हाई आई हैव टू गो फॉर 3500? तो मुझे सिर्फ 324 रुपए पे करने हैं, 10 लेक्चर्स मिलेंगे, 9 वेबनॉट्स मिलेंगे और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको इसमें, क्लियर। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखो जैसे कई बार मार्केट में जाते हैं ना, भैया एक टेस्ट करा दो, ऐसे कुछ होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी इस मिठाई को आपको टेस्ट करा जा रहा है 6 मिनट के फ्री ट्रायल के रूप में। तो मिठाई है ये, खा के देखो बड़ा मजा आएगा। 10 लेक्चर से इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए? आप सिर्फ नंबर सिस्टम में थोड़ी ना 50 लेक्चर चाहिए, 10 लेक्चर सा रेट ऑफ 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम लेक्चर आपको, ठीक है। 9 इसमें वेब नोट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल स्केल, रूट क्यूब, रूट सर्ज एंड इंडिसेस। वैसे सर्ज एंड इंडिसेस आपको जब करवाएंगे लाइव लेक्चर में तो वो नंबर सिस्टम के साथ ही मैं करवा दूंगा, बट इसमें सिंप्लीफिकेशन में भी सर्ज एंड इंडिसेस के बारे में बताया गया, बिकॉज नंबर सिस्टम में होता है बट यूज सिंप्लीफिकेशन में भी आता है उसका, कि पावर 3/2 दी है, तो एक्चुअली वो सारा का सारा सर्ज एंड क्यूब रूट्स आपके स्केयर रूट से सर्ज एंड डिसेस का ही पार्ट होते हैं, क्लियर। तो प्लीज भ्रमित मत होइएगा कि यहाँ है कि वहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज, 9% है। परमिशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट 125 में, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, ट्रेन का आना ही आना है, एवरेज से क्वेश्चन आना है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता ही आता है आपको। देन वी हैव लाइन चार्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सब चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। मेंस क्वेश्चन 3D सिर्फ 115 रुपए का, वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए बार ग्राफ आपके, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है आजकल, ठीक है, अच्छे लेवल का। देखिए पाई चार्ट जूम कर रहे हैं, 57 रुपए एक लेक्चर है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है, अलग से दिया हुआ प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है, 86 रुपीज का। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जब हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये ऑलमोस्ट 2646 रुपए का, 2650 के आसपास का, बट
इसमें भी आपको मिठाई चखने का मौका दे रहे हैं, मतलब जैसे पजल टेस्ट है, आप पजल टेस्ट करेंगे तो 21 मिनट 12 रुपए का है, का कितने का 6 मिनट का ट्रायल है, 245 का 17 लेक्चर है, देखो 17 लेक्चर मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 250 रुपीज से भी कम में, 7 वेब नोट्स है। वेब नोट्स क्या बोला भाई, वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स आपका वो पार्ट होता है बेटा जिसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये लेक्चर से छोड़ के आपको प्रिंटेड फॉर्म में यानी आपको टाइप्ड फॉर्म में पीडीएफ हो या वर्ड फाइल हो उसमें आपको ये मिल रहे हैं। क्लियर, आपका 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, ऐसा कौन सा आपका सीसेट का एग्जाम है जिसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर से क्वेश्चन ना आया, बताओ मेरे को। क्लियर, तो भी रैंकिंग एंड ऑर्डर ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलोजिज्म हो गया, क्यूब एंड डाइस भी हमारे पास, देन कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर आपका 5% आ रहा है, ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशियंसी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, तो ये सब चीजें आपको मिल रही है, हर एक टॉपिक का माइक्रो कोर्स यू कैन परचेज। क्लियर, चलिए देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ऑलमोस्ट 600 के राउंड सोर्सेज हैं इसके अंदर आपके पास, ठीक है, तो 349 रुपीज में 6 लेक्चर से 1 वेबनोट और 968 क्वेश्चंस है, देन वी हैव एंटोनिम्स रोनिम 53 रुपीज का, मेरे हिसाब से पूरा बंडल लेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज कई बार कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी वोकैबुलरी आपसे पूछ ली जाती है, अगर वो समझ नहीं आएगी तो आप अच्छे से आंसर नहीं करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग पूछ लेंगे कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। क्लियर, चलिए देखो मेरे पास अवर सिलेक्टेड, ये हमारे पास हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, जैसे मिस्टर स्पर्श इसी साल 51 रैंक के साथ सिलेक्ट हुए, अर्णव मिश्रा 56 रैंक के साथ, जतिन 91 रैंक, इसी तरीके से बच्चे, और ये इनके स्वर्णिम शब्द है। अब स्वर्णिम शब्द क्यों भाई, अधिकारी बन चुके हैं, एक पोस्ट पे आ चुके हैं। क्लियर, तो आप भी जल्दी से मौका मत गवाइए, बिना सी सेट के इनमें से एक भी बच्चा ना, जो लेटेस्ट सिलेक्शन से एक भी बच्चा इनमें से सिलेक्टेड नहीं है। रीजन क्या है, इन बच्चों की खास बात क्या थी, इन्होंने जीएस के साथ साथ सी सेट भी कूदने फोकस किए टिल स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। क्लियर, तो आप ये गलती मत करो जो बाकी बच्चे करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और माइक्रो कोर्सेज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा काम आएंगे। थैंक यू।